अल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी चैनल मेरे ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। वो अली जिनके दर के गदा हर वली ताजदार विलायत पे लाखों सलाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये शेर क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों ये शेर के पीछे आज बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे अल्लाह वालों के दरबार पर खड़ा हूँ, आपका नाम ही है हजरत अली पीर रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों ये नाम में ही कुछ अलग तासीर है, तो मैंने सोचा आज आपको ये शेर मैं आपको सुनाऊं। और इस तरह से अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं, और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा। आप हर कोई तो यहाँ पर हाजिर नहीं हो, पर मेरी वीडियो देखते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप दरगाह शरीफ की ज़ियारत करो, मज़ार पाक की ज़ियारत करो, तो तहे दिल से आपकी जो भी मुराद हो मांग लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, इन अल्लाह वालों के सदके तुफैल से आपकी जो भी तमन्ना हो, मुश्किल हो, वो दूर होगी। तो आइए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों ये एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है वेगड़ी, और इस छोटे से गांव के अंदर हजरत अली पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है। और आप यहाँ पर बहुत वक्त से, लंबे अरसे से आराम फरमा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ का कुछ मंज़र ही अलग है। इंशाअल्लाह आपको कभी मौका मिले, आप यहाँ पर आओ, तो आप भी ज़रूर कहोगे कि ये मज़ार पाक का पूरा मंज़र ही अलग है। और इंशाअल्लाह ये यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है यह मज़ार पाक की ज़ियारत। आइए आपका वक्त ना लेते हुए मैं आपको मज़ार पाक की ज़ियारत कराता हूँ, और ज़ियारत के बाद कुछ अच्छी बातें करेंगे। आइए आपका वक्त ना लेते हो, मज़ार पाक पर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व दोस्तों। तो ये है मज़ार पाक हजरत अली पीर रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों तो ये था मज़ार पाक हजरत अली पीर रहमतुल्लाह अलैह का। आपको कभी मौका मिले तो शहर दोराजी से 8 से 10 किलोमीटर दूर यह मज़ार पाक है, ज़रूर हाजिरी देना। दोस्तों यह मज़ार पाक की पूरी कैफियत ही अलग है। हमको आज बुलावा आ गया और हम आ गए, और ये नाम में ही तासीर है। दोस्तों मौला अली की बात मैं जितनी करूं उतनी कम है, ये इल्म का समंदर है, बाबुल इल्म है। मौला अली की हम जितनी बातें करें उतनी कम है। मौला अली फरमाते हैं कि अच्छे लोग की खूबी वो है कि उनको याद नहीं करना पड़ता,
वो खुद ब खुद याद रह जाते हैं। और हमें इस बात पर अमल करना चाहिए कि हम अच्छे बनेंगे तो इंशाअल्लाह हमको मरने के बाद भी लोग याद करेंगे, और लोग हमें ढूंढते ढूंढते घर पर आएंगे। इंशाअल्लाह हम मर गए होंगे तो हमारी कब्र पर भी लोग आएंगे, पूछेंगे कि ये किसकी कब्र है। तो अल्लाह हमें मौला अली की बातों पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह के घर पर जाओ और अल्लाह वालों के दर पर जाओ। रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। मेरे दोस्त असलम और आपके दोस्त इमरान को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना, नमाज के लिए ख़ास वक्त निकाला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।